जो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है डीजीपी वाले मैटर पे, उस मामले में आज क्या क्या हुआ सर कोर्ट रूम में? डीजीपी मामले में, डीजीपी मामला तो नहीं कहूँगा, निशांत शर्मा के मामले में हाईकोर्ट ने एक स्वतः संज्ञान लिया था कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन पिटीशन पर, जिसमें हाईकोर्ट ने हमसे स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। आज दो शिमला एसपी और कांगड़ा एसपी ने उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया और निशांत शर्मा की जो कंप्लेंट थी उसको, स्टेटस रिपोर्ट को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा गया तथा माननीय उच्च न्यायालय ने सबसे पहले प्रश्न किया कि क्या आपने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। हमने न्यायालय को बताया कि जो फैक्ट्स कंप्लेंट में लिखे गए थे और जो उसके तथ्य हैं उनकी छानबीन कर कर हम स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रख रहे हैं। तो मामले में न्यायालय का मत था कि आरती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब भी कोई व्यक्ति कंप्लेंट करता है तो उसकी कंप्लेंट तुरंत एफआईआर में दर्ज होकर उसकी जांच होनी चाहिए और उसके पश्चात आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। इसी मामले में हमने स्टेटस रिपोर्ट के डिफरेंट पैराग्राफ्स न्यायालय को पढ़कर सुनाए तथा अंततः न्यायालय और हमारा ये मानना था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय ने इस मामले में एक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अपॉइंट किए हैं जो कोर्ट कंप्लेनेंट की पैरवी करेंगे। न्यायालय की तरफ से मित्र, न्यायालय के मित्र अपॉइंट किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। तब तक हमने न्यायालय को ये अश्योर किया है कि इस मामले में कांगड़ा में, क्योंकि सारा इंसिडेंट कांगड़ा में हुआ है, उसकी कंप्लेंट कांगड़ा में आई, वो पहले एसपी कांगड़ा के पास तुरंत पहुंचा और इसलिए इस मामले में कांगड़ा में एफआईआर दर्ज करके बुधवार तक न्यायालय में अगली स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जाएगी। सर ये भी जानकारी आई कि जो कांगड़ा पुलिस ने जो है शुरुआती मामले में ढिलाई इसमें बरती, कोर्ट थोड़ा नाराज इसमें नजर आए। देखिए, ढिलाई बरतने और नहीं बरतने की ऐसी कोई बात नहीं है। कोर्ट ने ये कहा कि जब कंप्लेंट किसी ने दी है और उसने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि मुझे लाइफ टू थ्रेट है, उसने अपनी कंप्लेंट में लिखा है कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की और मुझे, मैं प्रदेश में असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, उसने अपनी कंप्लेंट में एक एलिगेशन लगाया है कि मुझे डीजीपी ऑफिस से फ़ोन आए, फ़ोन के कंटेंट क्या थे, फ़ोन पे कोई ऐसी बात, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। तो जब उसने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात की है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात की है कि मुझे बागसूनाग में रोका गया कुछ गुंडा तत्वों द्वारा, और उसने गुड़गांव का भी एक मामले का जिक्र किया गया है, तो जब ये तथ्य न्यायालय ने के सामने आए और चर्चा में बहस के दौरान आए तो एक मत था कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करके एक सिटीज़न की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। हमने भी न्यायालय को बताया कि हमने इस मामले में उसको पूरी प्रोटेक्शन दी है। एसपी कांगड़ा, एसपी शिमला लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, निशांत शर्मा ने कहा है कि जब भी उसे आवश्यकता होगी वो प्रोटेक्शन की, जैसे उन्होंने एक
एसपी कांगड़ा को लिखित दिया है कि जब वो पालमपुर से गगल एयरपोर्ट आएंगे तो उन्हें प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी तो वो बताएंगे उनको, परंतु न्यायालय ने कहा कि आपको उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, तो हम उन्हें तुरंत प्रोटेक्शन देंगे। और क्योंकि मामले में गंभीरता है तो उसमें एफआईआर दर्ज करके उसकी फर्दर जांच की जाएगी। सर थोड़ा सा सरल लेंगे, ये सरकार ने कोर्ट को कहा कि सरकार एफआईआर करेगी या हाईकोर्ट के आदेश है एफआईआर के? देखिए, सरल भाषा में ऐसा है कि जब आर्ग्यूमेंट्स के बाद सरकार की मेरी तरफ से एश्योरेंस दी गई है कि हम इस मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे। और जो डीजीपी की भूमिका पर न्यायालय में कोई चर्चा नहीं हुई, वो न्यायालय में सिर्फ इतनी चर्चा हुई कि डीजीपी ने एक एफआईआर दर्ज करवाई है डेफामेशन के संदर्भ में, तो न्यायालय ने कहा कि आप उसकी अलग से फेयर छानबीन करें और इसी प्रकार जो इस व्यक्ति ने कंप्लेंट दी है इसकी भी एफआईआर दर्ज करके इसकी भी फेयर छानबीन करें और फेयर इन्वेस्टिगेशन होना ही आवश्यक है, जो न्यायालय का ध्येय है। ठीक है,